मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती जी की माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। ऋषिकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसीलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब छह मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। षडानंद स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसीलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मनबिंदु और कबार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। वह प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहाँ नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसे हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ।
कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। स्पेस जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल छहों ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहां तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार भरने वाली थी। साफ और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरा सुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे, उनका नील कंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाई और बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठी। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो गई। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है, उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर, नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभो, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग्य ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभो, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्यों सहेगा? हे राशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभो, जो परमार्थत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो ही ना, मुझे उसे समझाकर कहिए।
मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्थ अधिकारी पाते हैं, वहाँ गुड़ तत्व भी उसे नहीं छिपाते, हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्थ भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से।